अपना जब लगे लाइट डेकोरेशन लगे घर साफ सुथरा लगे भल्के पूजा लगे तार पास आनंद लगे। अभी हम आसाम में तिनसुकिया मार्केट में हैं और ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी फेमस फेमस चीज़ें हैं और ये आसाम का सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर म्यांमार और इधर चाइना। तो काफ़ी खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और हम आपको पूरा मार्केट दिखाने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि आज कांटे का मैच है, यानी भारत पाकिस्तान का मैच है। हम मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं शोरूम वगैरह में देखने को मिल जाएगा मैच, लेकिन फिर भी पहले हम आपको मार्केट दिखाते हैं क्योंकि ये दीपावली का मार्केट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। इस तरह की सुपारी तिनसुकिया में ही देखने को मिल सकता है, जिसमें इस तरह से नारियल की ये कुहार लगे होते हैं। हर बड़े मार्केट का जो लिंक है इन छोटी गलियों से है। तो हम ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के मार्केट में आए हैं जो आसाम का एक बहुत बड़ा मार्केट है। दीपावली में ये लाइटें तो लगी हुई हैं लेकिन जल नहीं रही हैं। कल है दीपावली और यहाँ पे घरों पे भी बहुत कम लाइटें देखने को मिलेंगी, जबकि हम लोगों के यहाँ हर घर में भर भर के लाइटें देखने को मिलती हैं। ये सब दुकानें हैं और ये कम से कम 2 किलोमीटर का लंबा लिंक है जो जाके रेलवे स्टेशन वाले मार्केट में मिलता है। ये है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का मार्केट और इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं, जैसे कि डिगबोई है और डिगबोई में फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी खोला गया था पूरे एशिया का। और यहाँ पे बगल में ही शादिया ब्रिज भी है, डोला शादिया ब्रिज, जो पूरे भारत का सबसे बड़ा नदी पर बनने वाला पुल है। लंबाई लगभग 9 किलोमीटर के आसपास का है। तो इस तरह से मार्केट बहुत बड़ा है जहाँ पे आपको कपड़े ये सब सारी दुकानें मिलेंगी। और भी हम आपको मार्केट दिखाते हैं इस दिवाली पर क्या स्पेशल है इन मार्केट में। दीपावली की वजह से पटाखों की दुकानों पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा भीड़ पटाखों की दुकानों पे है। ये इस मार्केट की बड़ी दुकानें हैं। ये जो भीड़ दिखाई दे रही है मार्केट में, ये दीपावली पे ही दिखाई देती है कि मार्केट में हमेशा बनी रहती है ये भीड़? नहीं, दीपावली में दिखाई देती है। मतलब ये जो भीड़ है स्पेशल दीपावली के लिए है। क्या नाम है इस बाजार का? डेली बाजार। ये बताइए आप हैं कहाँ से? बेसिक एक आसाम से हैं कि कहीं बाहर से हैं? बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से। बिहार से कहाँ से? मुजफ्फरपुर से हैं। तो ये पहले भी ऐसा ही मार्केट लगता था? आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? 27 साल हो गया। अच्छा, तब से आप यहीं पे हैं, आसाम में ही है? तो ये डेवलपमेंट हुआ है कुछ बिहार के कंपैरिजन में आसाम का, कि बिहार का ज़्यादा हुआ है? नहीं, आसाम का ज़्यादा हुआ है। आसाम का ज़्यादा हुआ है? क्या नीतीश कुमार आपके यहाँ काम नहीं करा रहे हैं क्या? काम तो करा ही रहे हैं काम। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? चंद्रेश्वर। मैं तिनसुकिया से हूँ। आप लोकल तिनसुकिया से हैं? लोकल तिनसुकिया से हूँ। अच्छा, तो आप आसामी से हैं एक्चुअली? हाँ। तो हैप्पी दिवाली लोगों से बोलिए, अपने लैंग्वेज में क्या बोलना चाहेंगे लोगों से? अपना दिवाली, अपना दीप जलाब लगे, लाइट डेकोरेशन लगे, घर साफ सुथरा लगे, भल्के पूजा लगे, तार पास आनंद लगे। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बोला डेकोरेशन, यहाँ पे कहीं डेकोरेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है। डेकोरेशन बहुत हो रहा है इधर में, अभी कल में होगा। अभी मार्केट में तो हमने देखा नहीं, कल तो दीपावली ही है। कल शुरू से ही, सुबह से चालू हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों के क्या है कि 3-4 दिन पहले से ही सजा देते हैं लोग। नहीं, कोई यहाँ सबको नहीं सजाता है। अच्छा, लेकिन कुछ कुछ सजा देता है। तो यहाँ सभी लोग तांबूल खाते हैं? तांबूल का मतलब सुपारी होता है कि पान होता है? तांबूल का फेमस है। तांबूल फेमस है यहाँ का। तांबूल मतलब सुपारी होता है कि पान होता है? नहीं, पान में नहीं होता है ये। अच्छा। सूखने से सुपारी। अच्छा, तांबूल सुपारी बनता है। अच्छा, आसाम में क्या क्या चीजें फेमस है? चाय हो गया, तो कमला हो गया। कमला मतलब ऑरेंज। ये क्या होता है? ऑरेंज। अच्छा, संतरा। अच्छा,
यहाँ टेंगा बोलते हैं उसको। अच्छा टेंगा बोलते हैं। और यहाँ का तेल फेमस है। अच्छा वो ऑयल रिफाइनरी जो बगल में डिगबोई में है ना। हाँ हाँ। और सुपारी भी फेमस है। असम का पान सुपारी अच्छी हो गया। तांबुल फेमस है यहाँ का। तांबुल फेमस ओरिजिनल हरियाणा की है। अच्छा यहाँ बसा हुआ बचपन यहीं पर शादी यहीं पर। कितने पीढ़ियों से आप यहाँ पे हैं? 4 पीढ़ियों से। और हरियाणा में कहाँ से हैं आप? भिवानी से। भिवानी यहीं बसा हुआ हम लोग बोला ना। अच्छा जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन नहीं आ रहा तब से हम लोग यहाँ पर है। तो हरियाणा जानते हैं बोलने? हम लोग उतना नहीं बोल पाएंगे। अच्छा अच्छा हरियाणवी तो लठमार लैंग्वेज होता है। आज है भारत पाकिस्तान का मैच। तो भारत पाकिस्तान के मैच में आप सबको पता ही है कितना भयंकर कमेंट्स आते हैं, कितने टीवी तोड़े जाते हैं, क्या क्या होता है। तो दीपावली के अवसर पे ये लोग यहाँ जो है सामान कम लेने आए हैं। भारत पाकिस्तान का मैच HD TP में देखने आए हैं। ये जो यहाँ पे भीड़ दिख रही है सब भारत पाकिस्तान के मैच देखने आए हैं। इंडिया अभी जीतने वाली है और सब खुश है इस समय। यहाँ पूरी चारों तरफ लोग सामान कम लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच ज्यादा देखने आए हैं। ये इंडिया की जीत आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मजा आया? मजा आया। लास्ट में कंपटीशन था पूरा। बहुत अच्छा लगा। ये पटाखे की दुकान है जी हमारा दुकान। इंडिया जीत चुकी है और बहुत ही भाई साहब खुश हैं। इंडिया पूरा मजा। अब ये है कि और किसी चीज की बिक्री हो या ना हो लोग कपड़े ले या ना ले लेकिन पटाखे जरूर लेंगे। आपका क्या नाम है? जी फारूक नाम है। अच्छा मेरा शॉप है। अच्छा ये आपका शॉप है? जी जी। ये देखिए ये इंडिया की खुशी का सेलिब्रेशन। दिवाली की स्पेशल खुशी देखने को मिल रही है और ये वजह है भारत अभी अभी पाकिस्तान से जीता है। और मकानों पे तो नहीं लेकिन कहीं कहीं खूबसूरत सजावट जरूर देखने को मिल रहा है। ये देखिए तो कहीं कहीं मकान को सजाया गया है और कहीं कहीं नहीं सजाया गया है। कुल मिला के दिल इसलिए खुश है क्योंकि इंडिया जीत गई। पिछली बार हारी थी तो काफ़ी दर्द झेलना पड़ा था। कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो शान की भी बात होती है खास करके पाकिस्तान के खिलाफ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आसाम की नई जगह पर।